आज जो है मैं अपने अब्बू के समोसे वाली दुकान पर व्लॉग बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ व्लॉग बनाने के लिए। ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना। अस्सलाम वालेकुम मिडिल क्लास स्मार्टवीक, आज का जो व्लॉग है मेरे अब्बू की दुकान पर बनने जा रहा है। काफ़ी लोग कहते थे कि आप सब लोगों की वीडियो बनाते रहते हो, अपने अब्बू की भी दुकान पे बनाओ। आज जो है मैं अपने अब्बू की दुकान पे वीडियो बनाने जा रहा हूँ और आपको सब कुछ डिटेल में भी बताऊँगा। और अगर आप लोग ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसे लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप सब लोगों को रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। सबसे पहला जो काम है मंडी जाना, मंडी जाके आलू मिर्ची और गोभी वगैरह लाना, तो वो लेने के लिए मैं मंडी जा रहा हूँ। चलाएँ चलते हैं और आपको लाहौर की मंडी भी दिखाएंगे और वहाँ पर आजकल सख्ती भी दिखाएंगे कि कितनी है कोरोना के दिनों में। अभी टाइम जो है वो 8 बज रहे हैं, तो इस काम के लिए जो है ना सुबह सुबह उठ के जाया जाता है, नहीं तो उसके बाद जो है आलू ख़त्म हो जाते हैं। अच्छी वाली चीज़ें जो है ख़त्म हो जाती है, तो बेकार चीज़ें जो है रह जाती है वो तो हम डाल नहीं सकते। तो जा रहे हैं मंडी, तो मंडी जो है हमारे घर से 1.5 किलोमीटर दूर है। सुबह के टाइम रश भी नहीं होता, इसलिए बंदा जल्दी पहुँच जाता है। आलुओं का रेट, आलू सस्ते हैं कि महंगे हैं, वो लेके फिर हम घर जाके आपको सबकी बताएंगे। वो यहाँ पर मंडी भी देख ले, इतना रश भी नहीं है मंडी में। हम मंडी से सारे आलू सामान वगैरह जो लाना था वो ले आए हैं और उन्हें बॉयल भी कर लिया, और जो चिप्स के लिए आलू छीलने थे वो भी छील चुके हैं। अब उसके बाद क्या करना है, पट्टी लानी है, पट्टी ला के फिर समोसे वगैरह पैक करने हैं, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। सारा कुछ जो है ना, जितनी चीज़ें आलू और जो उसकी जो पीठी वगैरह बनानी होती है वो हम घर खुद ही बनाते हैं, और मसाले जो है वो भी अच्छे वाले लाते हैं, तो जिसके साथ हम समोसे वगैरह ना वो भी घर में ही पैक करके लेके जाते हैं, बाहर से नहीं लेते। में जो है ना सिर्फ चीज़ें हैं वो चिकन वाला समोसा है, वेजिटेबल है, आलू वाला समोसा है जो कि 5 रुपये का है,
और चिप्स वो आप अपनी मर्जी से जितनी मर्जी ले सकते हैं। तो मेन्यू इतना महंगा भी नहीं है, सिर्फ सस्ता सा ही आप ले सकते हैं आके। मेरे अब्बू की जो दुकान है ना वो हमारे मोहल्ले के थोड़ा सा बाहर ही है, तो सामान जो है वो मैं खुद छोड़ने जाता हूँ और ये जो है जिम्मेदारी मुझ पर ही छोड़ी गई है। ज़्यादातर जो कस्टमर है ना वो स्टूडेंट ही होते हैं। आजकल तो स्कूल वगैरह बंद है तो ट्यूशन वगैरह अकेडमी से बच्चे लेते हैं, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है अच्छा ही जा रहा है कारो। मेरे अब्बू की दुकान का जो टाइमिंग है ना वो 4 बजे से लेके 8 बजे तक है, तो 4 बजे मैं सामान छोड़ने शुरू कर देता हूँ, फिर उसके बाद 8 बजे जो है जो बर्तन वगैरह लाने होते हैं ना वो भी मैं लेके आता हूँ जाके। तो मैंने अपने अब्बू की दुकान पे जो है ना वो रिव्यू नहीं दिया, अगर आप हमारे एरिया में रहते हैं कहीं पर भी तो जाकर ज़रूर टेस्ट करें, और उसके बाद अगर मैं रिव्यू देता तो खाता तो मैं अपने मुंह से मियां मिठू बन जाता। तो आप खुद आके टेस्ट करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। चीज़ें हैं वो चिकन वाला समोसा है, वेजिटेबल है, आलू वाला समोसा है जो कि 5 रुपए का है, और चिप्स वो आप अपनी मर्जी से जितनी मर्जी ले सकते हैं। तो मेन्यू इतना महंगा भी नहीं है, सिर्फ सस्ता सा ही आप ले सकते हैं आके। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शेयर करने से क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा रिश्ते आप देखते हैं। अल्लाह हाफिज़। असर की नमाज़ हो रही है तो मैं नमाज़ पढ़ने जा रही हूँ।